मौज मस्ती चाहिए, शिव तीर्थ आइए। मध्य भारत का एकमात्र बेस्ट पिकनिक स्पॉट, जहां मिलेगा वाटर पार्क के साथ बोटिंग, एडवेंचर, पिकनिक, शादी और नाइट कैंपिंग इत्यादि। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, शिव तीर्थ मन पसंद। शिव तीर्थ, उमरी डैम सामने नागपुर, भूल ना जाना शिव तीर्थ आना। राजेश्वर स्टील फर्नीचर एवं फैब्रिकेशन, क्या आप नया घर बना रहे हैं या पुराने घर का रिनोवेशन करने की सोच रहे हैं? राजेश्वर स्टील फर्नीचर एवं फैब्रिकेशन में आपको मिलेगी घर सजाने और संवारने के लिए स्टील फर्नीचर, बेहतरीन काम वो भी कम दाम में। हमारे यहाँ SMCD, रेलिंग, ग्रिल, डाइनिंग टेबल, टी टेबल, सोफा सेट, सोफा कम बेड, SM गेट, SS गेट, जाली एवं सभी प्रकार के स्टील फर्नीचर उपलब्ध है। तो आज ही पधारे, हमारा पता हीरो शोरूम के बाजू में, शंकर नगर, नागपुर रोड, पांडुर्ना। विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने और चुनाव के दौरान अवैध वस्तुओं अथवा रुपयों, शराब के परिवहन को रोकने के लिए विधानसभा स्तर पर उड़न दस्ता दल गठित किए गए हैं। यह दल विधानसभा की सीमाओं पर निगरानी रखकर संदिग्ध दिखाई देने वाले वाहनों की तलाशी लेकर जब्ती की कार्रवाई करेंगे। इन दलों में स्लाइन एक्सपर्ट उड़न दस्ता, स्टैटिक निगरानी दल, वीडियो अवलोकन दल, वीडियो निगरानी दल की टीमें गठित की गई है। रिटर्निंग अधिकारी RR पांडे ने SDM सभा कक्ष में बैठक लेकर टीमों को कार्यप्रणाली ने प्रशिक्षण प्रदान किया। इस दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन कराने, वाहन चेकिंग और जब्ती कार्रवाई की CD बनाकर ऊपर वाले दल को सौंपने तक प्राप्त शिकायतों का निराकरण किस तरह से किया जाए, इस प्रकार की जानकारियों से दल को अवगत कराया गया। आदर्श आचार संहिता के पालन में नगरपालिका के अमले ने राजनीतिक दलों के पोस्टर, झंडे हटाने का काम किया। शहर के मुख्य मार्ग से लेकर प्रमुख चौराहों पर लगे पोस्टरों को उतारा गया। इस तरह ट्यूबुलर पोल पर लगे झंडों को हटाया गया। वार्डों में हितग्राहियों के मकान पर आवास योजना की जानकारी को पुतवाया गया। शासन की योजनाओं से जुड़े दीवार लेखन को मिटाया गया। ग्राम पंचायतों में दिन भर आचार संहिता को लेकर कार्रवाइयां चलती रही। यशवंतपुरम दानापुर एक्सप्रेस में दरवाजे पर बैठकर सफर करना एक यात्री को महंगा साबित हुआ। यात्री चलती ट्रेन से गिरकर सतना निवासी भूपेंद्र सिंह 21 साल गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मंगलवार की सुबह घुड़नखापा के पास रेलवे मोड़ पर हुई। इस मोड़ पर अक्सर इस तरह की दुर्घटनाएं होती है। भूपेंद्र सिंह को सर पर गंभीर चोटें लगी है, गंभीर हालत में नागपुर रेफर किया गया है। यात्री सतना से सिकंदराबाद जा रहा था। गेट पर बैठने के दौरान नींद की झपकी आने से वह नीचे गिर गया। रेलवे बोर्ड हमेशा ट्रेन के दरवाजे पर बैठकर यात्रा न करने की सलाह देता है, परंतु यात्रियों पर इसका कोई असर दिखाई नहीं देता है। पचोरी सांझ सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लाए है हाई ब्राइटनेस और इंटेंसिटी के साथ सांझ LED लाइट। अन्य LED लाइट की तुलना में 6 घंटे ज्यादा चले और पूरी 85% बिजली बचाए। 9 वॉट के LED बल्ब 2 साल की वारंटी के साथ उपलब्ध है। इंडिया की नंबर 1 ISO सर्टिफाइड कंपनी। तो अपने घर और शॉप की रौनक बढ़ाने के लिए सिर्फ सांझ LED बल्ब अपनाएं।